अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेयर इज फैजान मेरा नाम है और सिंह मैं YouTube चैनल फैजान जी। तो नाज़रीन बात यह है कि आज जो है मेरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेरी वेरी एक्साइटेड डे फॉर मी। और किसका दिन का मुद्दतों से इंतजार था, वो दिन आज आ गया है और मेरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे है। तो फिर चलते हैं पॉइंट पे, जाएंगे इस तरह यूनिवर्सिटी उतरेंगे, फिर वहां पे लाइन में लगेंगे, चेकिंग करवाएंगे, फिर चलेंगे। तो रुको जरा, सबर करो। क्लास में लिटिल बिट कंफ्यूज बट आई एम ओके। तो मेरे साथ है नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार। तुम देखो 2% लोग चैनल सब्सक्राइब करते, 98% लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद फिर वीडियो पूरी देखो। तो नाज़रीन चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी छू लीजिएगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो मेरे साथ रहिए, चलते हैं पॉइंट की तरफ और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और पता नहीं क्या होगा, मुझे पता नहीं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाई तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था, लेकिन आज यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है तो तैयार श्यार होकर जाना था, तो इसलिए फिर भाई के घर तैयार हो रहे। आपने अगर फिटकार तो वैसे फिटकार रहनी है, फिटकार कहीं नहीं जानी भाई। तैयार श्यार तो हो गए हैं, अब चलते हैं उधर बस पॉइंट की तरफ। अरे ऐनक ना तुम पिछले 20 वीडियो में देखी होगी क्या, लेकिन ना अभी ऐनक पहनता तो मुझे अच्छी फीलिंग्स आती हैं। कैसी फीलिंग आती हैं अगर ऐसी बात है तो जरूर बताइएगा। चलते हैं फिर मिलते हैं उधर। 5 मिनट की मुसाफत करके मैं जैसे ही बस स्टेशन पे पहुंचा तो वहां पे मैंने देखा कि सीनियर के हाथों में बल्ले हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आखिरकार बस तो आ गई। अब बस में जगह मिलना यूनिवर्सिटी में दाखिले मिलने से भी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमें भी ऐसे चैलेंज से लड़ना आता है। हमें जगह तो मिल गई लेकिन ये वाले तासुरात इन तासुरात में बदल गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और बस इस कदर फुल हो चुकी है कि कुछ होनहार तालिब इल्म दरवाजे पर और कुछ बहर से हसरत की निगाह देख रहे हैं। तो खैर जैसे कैसे हमने यूनिवर्सिटी में पहला कदम रख दिया है। हजारों बच्चे मुझ समेत दिल में हसरत लिए यूनिवर्सिटी में क्लासों की तरफ जाते हुए। घंटों आवारा गर्दी करने के बाद आखिरकार हमें क्लास मिल ही गई। नाज़रीन 1 घंटा हो गया बैठे हुए क्लास में, ना कोई सर आया ना कोई बच्चे आए हैं। आखिरकार सीनियर को आ ही गई तो उन्होंने हमें रिस्पेक्ट दी और हमें अपने रूम में बुला कर जो हमारे साथ किया वो खुद ही आप देखें। आपकी नहीं आ रही सर, इसकी वॉइस बना रहा हूँ, वॉइस ही बना रहा हूँ। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि मैं जो खुटे लाइन लगाऊं लेकिन दूसरों को नसीहत में सही देता हूँ। हमारे सिंगर भी वही कर रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू थैंक यू। सीनियर से मुलाकात के बाद अब वक्त था HOD साहब से मुलाकात का। HOD की मुलाकात से पहले कुछ ऐसे हसीन लोगों से मुलाकात का मौका मिला। अब हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम जो हमारे HOD साहब ओरिएंटेशन देंगे। हमारी ओरिएंटेशन है और हम जो है ऑडिटोरियम की तरफ जा रहे हैं। ऑडिटोरियम की तरफ जा रहे हैं, मेरे क्लासमेट हैं कि पूरा साल हम रहेंगे ओरिएंटेशन में। क्या भाई, हां ओरिएंटेशन में क्या होता है? ओरिएंटेशन में पता नहीं क्या होता, देख के चल के मिलते हैं आपसे, इसके बारे में बताएंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर चुके हैं ऑडिटोरियम में। इसके बाद HOD साहब ने और हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस के डायरेक्टर साहब ने हमें यूनिवर्सिटी के बारे में बताया और उसके बाद तो ये है बिल्डिंग हमारे यूनिवर्सिटी की।
जो है हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल जो है यूनिवर्सिटी का, जिसमें हमारा एक दोस्त भी रहता है, उसमें हम जा रहे हैं चल के सारे। ये बाहर से जितना आपको बदसूरत लगता है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही खूबसूरत सी बिल्डिंग है। हॉस्टल और बहुत कुछ और देखने के बाद हमने पॉइंट की तरफ सफ़र करना शुरू किया, जहां पे आपको सिर्फ खड़े होने की जगह मिलना भी एक नेमत से कम नहीं। लेकिन इस बार खुशकिस्मती से हमें जगह तो मिल गई, लेकिन ऐसी जगह जो दिखाने के काबिल नहीं है। इसकी बातें सुनने से पहले कभी इससे पूछ भी लिया करें कि तेरे घर में कोई सुनता है बेटा। नाजरीन थक शक गए यार, उधर फिर कॉलेज आ गया था टाइपिंग वाले जो कोर्स कर रहा हूँ, कंप्यूटर कोर्स। तो उम्मीद करता हूँ कुछ मैंने व्लॉग चबले मारी हैं वो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में व्लॉग बनाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को छू लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।